हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल, रियल एट एंड इंफ्रा। एंड आप देख सकते हैं 20% का अपर सर्किट लग गया है यहाँ पे, और अपर सर्किट लग गया है तो आप जानते हैं अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट लगातार 4 से 5 दिन तक अपर सर्किट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-4-5% की बात नहीं, सीधा 20% का अपर सर्किट है। लगभग 5 पैसे का इसमें अपर सर्किट लगा है। 25 से सीधा लास्ट क्लोजिंग देख सकते हैं 0.25 की हुई है, और अभी यह चला गया है 0.30। एंड इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देती हूँ, बाकी मार्केट की कैपिटलाइजेशन है 36.53%। एंड ये देखिए, उसके अलावा भी बहुत चौंकाने वाली बात ये है कि आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है एनएससी की, और आप बाइंग ऑर्डर देखेंगे, आप ये देखिए इसका बाइंग ऑर्डर है 11,000, 10,000,000, 10,00,000 करोड़, 1,08,53,880, मतलब 1 करोड़ से 1 करोड़ लगभग 1,08,50,000 के आसपास यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ, काफ़ी आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, मात्र 30 पैसे का शेयर है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, एक आप अच्छे से चाहें तो 0 भी गिन सकते हैं, और 1,08,00,000 का यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड मैं आपको चार्ट पे लेके चलती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए चार्ट हो जाता है। देख सकते हैं पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस, मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट और भी ज़्यादा बूम कर सकती है। और ये वाला जो हमें पोर्शन देखने को मिल रहा है, इस वाले पोर्शन की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बूम करे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई करे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, कैंडलस्टिक्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, ये है हमारा बीच बीच में ये अपर सर्किट लगता रहता है। आप देख सकते हो ये जो डॉट डॉट है ना, ये अपर सर्किट है, ये देखिए आपको डॉट 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 इज डायरेक्ट अपर सर्किट है, और ये हमारा है। एंड यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको डाउन करके दिखा देती हूँ। इसका जो नेक्स्ट टारगेट हमें, आपको टारगेट भी मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या हमें टारगेट रहेगा। ये आप ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हाई मात्रा में यहाँ पे वॉल्यूम है, ये आप देख सकते हो, ये रही वॉल्यूम। लगभग जो हैमर कैंडल होती है, हैमर कैंडल वीक थोड़ी इतनी होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छी एक बुलिश कैंडल हमें बनने को मिली है। हाई मात्रा में यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग ऑर्डर है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो ऑब्वियसली आपका बाय, अगर मार्केट यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे जाएगा तो ही जाके पंच होगा, क्योंकि टिकर पॉइंट होता है 0.05 का। तो अगर आप कहीं ना कहीं 0.35 पे बाय ऑर्डर प्लान करेंगे तब जाके, क्योंकि 30 पे एक स्लाइड आएगी, तब जाके 35 पे जाके बाय होगा, क्योंकि बाय सेल थोड़ी इसमें स्लो होते हैं, लेकिन टारगेट अच्छा मिल जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा स्विंग है, ये देखिए एक मार्केट ने अच्छा खास एम पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं, ज़्यादा पैटर्न्स नहीं है, ट्रिपल टॉप पैटर्न है, ये देख सकते हैं, और एक स्विंग, ये स्विंग और ये। तो इसके अकॉर्डिंग आप भी, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट अगर आपने वहाँ पे लिया है स्मॉल क्वांटिटी के साथ, वैसे तो हमारा टारगेट यहाँ तक का है सीधा डबल 0.70, लेकिन फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा ये रहेगा। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, तो हम वेट कर सकते हैं इसके नीचे ऐसा लगा के। अगर मार्केट ने यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे, वैसे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, हो सकता है मार्केट ऐसा रिट्रेसमेंट करे फिर ऊपर जाए, तो इसके अकॉर्डिंग है, तो हमें यहाँ पर पहली बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा 0.45 का, हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद लगभग, क्योंकि 40% आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि 5 पैसा भागा है तो 20%, देख सकते हैं 0.35 पे भी आपको एंट्री मिलती है, और 0.45 पे भी अगर आप एग्जिट होते हैं तो भी आपको परसेंटेज में यहाँ पे 40% आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो 40% प्रॉफिट यार कम नहीं होता ना, यहाँ पे हमारा 40% का प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये एक हमारे यहाँ पे भी एक अच्छा खासा स्विंग बन रहा है, तो यहाँ पे भी मार्केट कहीं ना कहीं अटक सकती है। सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट रहेगा डायरेक्ट 70, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या 30 है तो 30 से डायरेक्ट 70 डबल हो गया, ये 75 पे बिक जाएगी तो हो जाके 70 वाले टारगेट्स डन हो पाएंगे, है ना। तो ये हमारा एक टारगेट रहेगा, हमारा थर्ड टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट अचीव होने का मतलब है आपका 40% मिलेगा प्रॉफिट, और ये जो टारगेट अचीव होने का मतलब है कम से कम 50 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे, और 60 तो मिल ही जाएंगे, 60% मिल जाएंगे, और यहाँ तक का टारगेट अचीव होने का मतलब है आपका पैसा सीधा डबल हो जाएगा 100%। तो 40% फर्स्ट टारगेट, 60%, और बीच में तो कहीं है, क्योंकि बीच में एक डायरेक्टली स्लाइड है, तो डायरेक्ट स्लाइड का मतलब हम यहाँ तक का टारगेट अच्छे से अचीव कर सकते हैं होल्ड करके।
उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सिनेरियो देखने को मिल सकता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, मार्केट में सारी चीज़ें हमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करना पड़ता है। इसका रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, सितंबर का जो प्रॉफिट था 63.1% का पॉजिटिव, इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इसके रिजल्ट की वजह से हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड ही जाए, तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। और मैं भी ट्राई करूँगी कि इसमें मुझे एंट्री मिल जाए, 35 पे एंट्री मिल जाता तो आई विल ट्राई कि मैं भी यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट में ले सकूं। एंड आप देख सकते हैं बाय होल्ड करने के 50% लोग कह रहे हैं, सेल करने के लिए 50, बाय करने के लिए 50, तो होल्ड करने के लिए इसलिए है क्योंकि होल्ड करेंगे तो कुछ अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है, बट क्योंकि 5 पैसा भी अगर कम होगा तो 20% का सीधे सिनेरियो में इफेक्ट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, बट हम फिर भी अगर हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। बट ये है कि आपको अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना हो, तो अगर आप इस एंट्री इसके नीचे कर रहे हैं तो इसी के नीचे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो भी आपके लिए बेस्ट है ना, 1:2, 1:3, 1:4 इस टाइप से आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साइड में प्यारा सा बेल आइकन दिया होगा ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करना, वैसे आप जाने के ज़्यादा चांसेस इसलिए भी है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप बाइंग ऑर्डर करोड़ों में लगाए, अब 1 करोड़ का मतलब है कि इसका अगर 70 पैसा हो गया तो 1 करोड़ का होगा 2 करोड़, तो वही चीज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ 40% भी मिल जाता तो भी अच्छा यार, तो 1 करोड़ का 40% कितना होता है, तो मतलब लगभग 40 लाख हो गया सीधा, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हाई मात्रा में हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना जरूर जरूर कर लेना मत बोलना, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं किसी भी शेयर के रिगार्डिंग, एनालिसिस वीडियो चाहिए तो उसके लिए, या फिर इंडिकेटर्स के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर चाहिए तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।